स्टूडेंट्स, तो अभी करेंगे हम एमएचटी सीईटी 2018 पार्ट फोर करेंगे, बट उसके पहले इंटीग्रेशन पे पार्ट शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा ये कैसे करना है करके, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। ओके, पहले इसको करते हैं। तो अगर हम ऐसे प्रॉब्लम करेंगे जहाँ पे इसको यू और इसको वी, मतलब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बोलते हैं इसको, अगर ऐसे करेंगे नॉर्मल मेथड से, लेंथी क्लासरूम मेथड से, तो 5 मिनट तो लग ही जाएगा कैसे भी। ओके, तो हम इसको अल्ट्रा इजी मेथड से करेंगे अभी, तो इसका मैं डायरेक्ट लिखूंगा। देखो 4-5 सेकंड्स में इसका आंसर हम लिख सकते हैं। ओके, तो अभी देखो क्या करना है करेंगे, ठीक है। मैं इसका डायरेक्टली लिख रहा हूँ, देखो आंसर, फिर बाद में आपको बताऊँगा ये अल्ट्रा इजी मेथड क्या है करके, ठीक है। तो देखो अभी, तो इसका ये आंसर आएगा, ठीक है। तो हम विद इन 5 सेकेंड्स ये कर सकते हैं। तो अभी ये मेथड मैं आपको सिखाऊंगा, देखो अभी। ओके, तो ओके, तो सबसे पहले ये यू आएगा, फिर या वी आएगा, हमको पता करना है। तो इसके लिए ये आपको आता रहेगा, राइट, इसको हम लेट बोलते हैं। तो यहाँ पे एल का मतलब लॉगरिदम फंक्शन आएगा, आई मतलब इनवर्स फंक्शन, ए मतलब अरिथमेटिक, एंड टी यानी कि ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन, ई यानी एक्सपोनेंशियल, मतलब ऑर्डर में आएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो अरिथमेटिक पहले आ रहा है, राइट, अरिथमेटिक है ये एक्स स्क्वायर, तो हम इसको यू लेंगे, एट और ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है साइन एक्स, तो बाद में आ रहा है, राइट, तो इसको हम वी लेंगे। ओके, तो ये प्रॉपर है, तो इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं, सबसे पहले इम्पोर्टेंट है, ठीक है, किसको यू लेना है और किसको वी लेना है। ओके, तो इसके बाद अभी क्या करना है देखो, ठीक है। सो हम इसको यू लेंगे और इसको वी लेंगे, ठीक है। तो इसको पहले यहाँ पे लिखो, राइट, फिर इसका डेरिवेटिव लो यहाँ पे, टी बाय डी एक्स एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 2x, इसका डेरिवेटिव लो डी बाय डी एक्स 2x, इसका आएगा 2, इसका डेरिवेटिव लोगे तो इसका आंसर 0 आएगा, राइट, इसका डी बाय डी एक्स 2, तो ये स्टेप की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, तो इसकी ज़रूरत नहीं है, तो इसको हम हटा देंगे। ओके, तो मैंने क्या किया, पहले इसको लिखा, इसका डेरिवेटिव लिया, फिर इसका डेरिवेटिव लिया, जहाँ नंबर आ गया वहाँ पर स्टॉप कर रहे हैं। ओके, तो इसको थोड़ा दूर लिखते हैं, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आ रहा है 2x और इसका आ रहा है 2। ओके, उसके बाद ये जो टर्म है साइन एक्स, इसका इंटीग्रेशन लो, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स। ओके, अभी इसका इंटीग्रेशन लो माइनस कॉस एक्स का, अभी कॉस एक्स का साइन एक्स आता है, बट यहाँ पे माइनस है, तो ये आएगा माइनस साइन एक्स। अभी इसका वापस लो, ये आएगा इंटीग्रेशन ऑफ माइनस साइन एक्स, ठीक है, साइन एक्स का माइनस आ रहा है, तो अगर माइनस लूँगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये आएगा कॉस एक्स। ओके, तो ये सब आपको जल्दी जल्दी करना है। तो अभी क्या करना है फाइनल आंसर में, देखो फाइनल आंसर में यहाँ पे प्लस लेना है फर्स्ट वन को, यहाँ पे माइनस लेना है, और ये प्लस, मतलब ये अल्टरनेट होता रहेगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे जाते रहेगा, तो ये क्या बनेगा, ये प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, माइनस माइनस प्लस 2x साइन एक्स, और ये प्लस है इधर प्लस 2 कॉस एक्स प्लस सी, ये इसका आंसर ऐसे आएगा, ठीक है। तो इजी है, मेरे हिसाब से वेरी इजी मेथड है, आप JEE और CET में ये मेथड फॉलो करो। ओके, अभी पार्ट फोर में जाते हैं। सो वो ट्रिक जो हम सीखे थे, तो ये फार्मूला के लिए वैलिड है, मतलब काम करेगा, यहाँ पे भी काम करेगा, यहाँ पे भी काम करेगा, x रेस टू n है यहाँ पे, ठीक है, बट इसमें भी काम करेगा अगर x रहेगा तो, बट अगर एक्स स्क्वायर रहेगा यहाँ पे और एक्स स्क्वायर एक्स रहेगा
तो एक काम नहीं करेंगे, ठीक है? तो ये बात याद रखना है आपको, ठीक है? अभी प्रॉब्लम पे जाते हैं। तो हम करेंगे अभी 35th प्रॉब्लम। तो यहाँ पे हम अल्ट्रा इजी मेथड यूज कर सकते हैं इसके लिए, राइट? ये यू है और वी है, ओके? तो हम क्या करेंगे, तो पहले इसको लिखते हैं एक्स को, फिर इसका डेरिवेटिव लेते हैं हम, इसका डी बाई डी एक्स एक्स लेते हैं, ये आएगा 1। अभी 1 का डेरिवेटिव लेंगे तो आएगा 0, राइट? तो इसको हम हटा देंगे, ओके? तो इसके बाद इसका ये सब दिमाग में जल्दी कर सकते हो आप। तो अभी इंटीग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वायर एक्स का क्या आएगा, टैन एक्स आएगा, तो यहाँ पर टैन एक्स लिखते हैं। एंड यहाँ पे वापस इसका इंटीग्रेशन ऑफ टैन एक्स डी एक्स लेना है, तो टैन एक्स का आएगा लॉग सेक एक्स आएगा, ठीक है? तो ये बनेगा लॉग सेक एक्स, ओके? और आपको मैंने बताया था प्लस माइनस अल्टरनेट करना है, यहाँ पे प्लस लेना है, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, ऐसे जाते रहेंगे। तो यहाँ पे इसको प्लस लेना है, इसको प्लस लेना है और माइनस। तो इसका फाइनल आंसर क्या आएगा, एक्स टैन एक्स माइनस लॉग सेक एक्स, ओके? और प्लस सी की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे वैल्यू दिया है 0 to π/4 दिया है, तो ये नहीं लिखना है, ठीक है? तो ये हम डायरेक्ट जल्दी कर सकते हैं, ठीक है? जैसे कि क्या करना है, तो पहले इसको लिखेंगे हम एक्स, एक्स का डेरिवेटिव 1, फिर इसका इंटीग्रेशन टैन एक्स, फिर बीच में माइनस, फिर टैन एक्स का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ सेक एक्स। तो ये हम जल्दी कर सकते हैं, राइट? तो अब इसके बाद इसका वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, ओके? और ये 1 को हटा सकते हैं। अब इसका वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, ये आएगा π/4 एंड टैन π/4 माइनस लॉग सेक π/4, ओके? एक ब्रैकेट में ले लेते हैं। तो पहले π/4 को इधर पुट करो, इधर पुट करो, इधर पुट करो फर्स्ट टाइम पे, एंड उसके बाद सेकंड टाइम पे 0 को पुट करना है, इधर इधर इधर, बीच में माइनस आएगा, उसके बाद यहाँ पे 0 आएगा, फिर टैन 0 माइनस लॉग सेक 0, ओके? तो अभी ये π/4 रहेगा, टैन π/4 का यानी टैन 45 यानी 1 आएगा, और सेक π/4 यानी कि कॉस 45 का रिवर्स लेना है तो आएगा √2, एंड यहाँ पे सॉरी लॉग आएगा, यहाँ पे लॉग है, यह आएगा लॉग √2, और यहाँ पे 0 आ रहा है तो ये बनेगा 0, एंड ये प्लस आएगा, ये माइनस 0 एंड माइनस माइनस प्लस लॉग सेक 0 का 1, ओके? बट लॉग 1 का वैल्यू 0 होता है, ओके? लॉग 1 इज इक्वल टू 0, तो ये भी 0 हो जाएगा, तो बचता है जी, यही बचेगा। और ये कहाँ मैच हो रहा है, यहाँ पे मैच हो रहा है, तो इसको हम टिक करेंगे, ठीक है? तो ऐसे जल्दी जल्दी करो एग्ज़ाम पे, ओके स्टूडेंट? तो नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने दिया है ABC, ये साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल है, दे आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, AP मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो इसका वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, ठीक है? तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर से लिया गया है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे इसके लिए, राइट? बट यहाँ पे स्क्वायर है, तो यहाँ पे मैं स्क्वायर करूँगा तो ये रूट को हटाना पड़ेगा, राइट? तो ये हाफ एंगल फार्मूला है, ठीक है? तो इसी तरह यहाँ पे कॉस स्क्वायर a/2 एक पैटर्न में आता है, तो आपको ये फार्मूला आना चाहिए, ठीक है? तो ये पैटर्न में s आएगा, फिर s माइनस ए आएगा अपॉन ए को यहाँ पे लिखा, फिर यहाँ पे नीचे bc रहेगा, ऐसे, ओके? तो पहले इसको लिखते हैं a को। अब ये जो पार्ट है इसके बदले में ये लिखेंगे इसका फार्मूला s माइनस c अपॉन ab, बीच में प्लस, फिर c आएगा, और इसके बदले में हम ये लिखेंगे, इसका फार्मूला पुट करेंगे तो ये बनेगा s माइनस a अपॉन bc, ओके? तो a कट हो जाएगा, c कट हो जाएगा। तो यहाँ पे s एंड b कॉमन है, इसको बाहर ले लेंगे। तो एग्ज़ाम में जल्दी जल्दी करना है, स्टेप वाइज नहीं करना है, क्योंकि JEE और CET में इतना टाइम नहीं रहता है। तो अंदर ये बचेगा s माइनस c प्लस यहाँ पे s माइनस ये बचेगा, ओके? तो ये बनेगा s माइनस b, और यहाँ पे s प्लस s 2s माइनस c माइनस a, ओके?
और एच का फॉर्मूला आना चाहिए आपको, राइट। टू एच का फॉर्मूला है ए प्लस बी प्लस सी, तो इसके बदले में वो लिखना है, तो एच अपॉन बी ए प्लस बी प्लस सी माइनस सी, तो यहाँ पर ए कट होगा एंड सी भी कट हो जाएगा, तो बचेगा एच अपॉन बी और यहाँ पे बी बचेगा, राइट। ए भी कट हो रहा है, राइट, बचेगा ओनली एच, दैट इज इक्वल टू एच, बट ये ऑप्शन यहाँ पे नहीं है तो हमको मॉडिफाई करना पड़ेगा, राइट, वो करते हैं। ओके, तो बट एच का वैल्यू यहाँ से क्या आएगा, एच इज इक्वल टू, देयरफॉर एच इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू। ओके, सो एच का आएगा ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू, बट यहाँ पर उन्होंने कंडीशन दी है दैट ए बी सी आर एन ए पी, मतलब क्या है, मतलब मिडिल टर्म डबल टाइम और मिडिल टर्म इज इक्वल टू, इसका मीनिंग होता है टू बी इज इक्वल टू ए प्लस सी। ओके, तो अगर तीन ये रहेगा वेरिएबल दे आर इन ए पी, इसका मतलब मिडिल वाला का डबल टाइम इज इक्वल टू फर्स्ट एंड लास्ट टाइम का सम कर रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे ए प्लस सी इज इक्वल टू टू बी आ रहा है, तो एच इज इक्वल टू ए प्लस सी, इसका टू बी आ रहा है, तो टू बी प्लस यहाँ पे बी बाकी है डिवाइड बाई टू, ये आएगा थ्री बी बाई टू, ठीक है, तो आंसर सी आएगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम पे जाते हैं, है पैरामीटर में y भी दिया है पैरामीटर में, तो हम पहले x को लिखेंगे जल्दी से और dx by d थीटा लेंगे, तो जिसको हम u समझेंगे इसको v, तो u v का y इक्वल टू u डॉट v का फॉर्मूला यूज़ करना है, ठीक है। यूज करेंगे तो पहले इसको ऐसे रखेंगे, फिर इसका मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, इसका डेरिवेटिव लेना है, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा cos थीटा और माइनस cos थीटा का डेरिवेटिव बनेगा sin थीटा, फिर वापस प्लस आएगा, वापस इसको ऐसे कैसे रखना है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एंड इसका डेरिवेटिव लेना है, तो जो सेम आएगा। ओके, तो अभी इसको सिंप्लीफाई करते हैं जल्दी से, तो क्या आएगा, इसको अंदर लेते हैं, इसको अंदर लेते हैं, ई रेस टू थीटा कॉस थीटा प्लस ई रेस टू थीटा साइन थीटा प्लस इसको अंदर लेते हैं ई रेस टू थीटा साइन थीटा एंड यहाँ पे माइनस ई रेस टू थीटा कॉस थीटा। ओके, तो यहाँ पे ये कट हो रहा है, तो हमको बचेगा टू टाइम ई रेस टू थीटा साइन थीटा। ओके, तो इसका डेक्स अपॉन डी थीटा ये आएगा। ओके, तो यहाँ पे लिखते हैं ऊपर, तो इसका आ रहा है टू ई रेस टू थीटा साइन थीटा, ठीक है। तो वाई का दिया है ई रेस टू थीटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ठीक है। तो बाय ऑब्जर्वेशन भी कर सकते हो या फिर तुमको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये आएगा टू ई रेस टू थीटा कॉस थीटा आएगा, ठीक है, क्योंकि ये सिमिलर है इसका, यहाँ पे माइनस था और यहाँ पे प्लस था, राइट, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तो ऑब्वियसली इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे कॉस थीटा आएगा। ओके, जल्दी ऐसे दिमाग यूज करके जल्दी करना है, ठीक है, या फिर आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी डी वाई बाय डी एक्स क्या आएगा, डी वाई बाय डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा, ये बनेगा, इसको लिखना है यहाँ पे डी टू इंटू ई रेस टू थीटा कॉस थीटा अपॉन और इसका आ रहा है टू ई रेस टू थीटा साइन थीटा, ठीक है, कट हो जाएगा, ये बनेगा कॉट थीटा, थीटा का वैल्यू दिया पाई बाय फोर, ये उधर पुट करना है कॉट पाई बाय फोर, ये बनेगा कॉट 45 डिग्री, ये आएगा वन, तो ऑप्शन एक को टिक करना है, ठीक है। ये सब जल्दी जल्दी करो, अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम पे जाते हैं। तो अभी करेंगे 34th प्रॉब्लम, तो यहाँ पे उन्होंने ये फंक्शन दिया है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन ये इंटरवल में कितना आएगा वो फाइंड करना है, ठीक है। तो मतलब पाई बाय टू कमा थ्री, पाई बाय टू का मतलब याद रख लो, पाई बाय टू यानी कि 90 डिग्री आएगा एंड थ्री पाई बाय टू यानी 3 इंटू 90 270 डिग्री, ये दो ये इंटरवल पे ये कितने सॉल्यूशंस आएंगे फाइंड करना, ठीक है। तो पहले इसके लिए फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है, इसको ग्रुप करते हैं, इसको और इसको ग्रुप करेंगे, राइट, क्योंकि यहाँ पे 3x है, राइट, यहाँ पे 3x है, ये 5x प्लस x डिवाइड बाय 2 हमको आएगा 3x आएगा, इसके वजह से इसको और इसको ग्रुप करेंगे। ओके, तो अब इसको ग्रुप करेंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा साइन, तो पहले बड़े नंबर को लिखते हैं, ठीक है, इसको पहले लिखते हैं साइन 5x प्लस साइन एक्स
प्लस साइन थ्री एक्स इक्वल टू जीरो। फिर इसके लिए ये फार्मूला यूज़ करते हैं, ये आएगा टू इंटू साइन सी प्लस डी, ये सी आएगा तो बनेगा फाइव एक्स प्लस एक्स अपॉन टू डॉट कॉस फाइव एक्स माइनस एक्स अपॉन टू एंड प्लस साइन थ्री एक्स बाकी है। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ तो आपको बेसिक नॉलेज रहना मिलता है, राइट। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या आंसर आएगा देखते हैं। ठीक है, ये आएगा टू, ये बनेगा सिक्स एक्स अपॉन टू और बनेगा थ्री एक्स हो जाएगा। ओके, तो ये आएगा टू इंटू साइन थ्री एक्स एंड यहाँ पे आएगा फोर एक्स, इसका फोर एक्स बाई टू, ये हम कट करेंगे ये आएगा टू एक्स, तो ये आ जाएगा कॉस टू एक्स प्लस साइन थ्री एक्स इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये सब जल्दी जल्दी करना है। इसके बाद ये कॉमन है, इसको हम बाहर लेते हैं, साइन थ्री एक्स तो अंदर बचेगा टू कॉस टू एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। तो हमारे दो वैल्यू आ रहे हैं, एक तो आ रहा है साइन थ्री एक्स इक्वल टू जीरो और इसको टू कॉस टू एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन है आपको पता होना चाहिए, राइट। तो साइन थ्री एक्स जब जीरो होगा तो क्या फार्मूला आता है, जब साइन अल्फा, फार्मूला ऊपर लिखता हूँ आप देखो। ओके, ठीक है, तो ये फार्मूला है, अगर साइन एक्स इक्वल टू साइन जीरो हो जाएगा तो एक्स इक्वल टू एन पाई आएगा। ओके, तो हम जीरो को साइन जीरो ले सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारा वैल्यू क्या आएगा, एक्स के बदले में यहाँ पे थ्री एक्स है। ओके, तो ये आ जाएगा थ्री एक्स इक्वल टू एन पाई, देयरफॉर एक्स इक्वल टू एन पाई अपॉन थ्री। ठीक है, तो ये साइन थ्री एक्स के लिए आया है। अब इसके लिए निकालना है तो ये क्या बनेगा, तो अभी इसको प्रॉपरली लिखते हैं, ये आएगा टू कॉस टू एक्स प्लस वन इजिकल टू जीरो, तो ये बनेगा टू कॉस टू एक्स इजिकल टू माइनस फोर, तो कॉस टू एक्स इजिकल टू माइनस वन बाय टू, तो कॉस टू एक्स इजिकल टू माइनस हाफ कितना आता है, वो आएगा साइन कॉस 60 में आएगा, कॉस 60 इज इक्वल टू वन बाई टू, तो 60 को हम कन्वर्ट करेंगे कॉस पाई बाय थ्री। ओके, तो ये बन जाएगा कॉस पाई बाय थ्री वन बाई टू, तो इसको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, ये बनेगा कॉस पाई बाय थ्री, अब ये माइनस को हटाना है। ठीक है, ये आएगा कॉस टू एक्स इज इक्वल टू कॉस पाई माइनस पाई बाय थ्री, तो ये माइनस को हटाना है कॉस के लिए, तो पाई लिख के आना पड़ेगा, पाई माइनस पाई बाय थ्री, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, कॉस टू एक्स इक्वल टू कॉस टू पाई बाय थ्री, ऐसे आएगा। तो ये सारे का सोल्यूशन जल्दी जल्दी करेंगे तो क्या आ रहा है हमारा, ये आएगा कॉस टू एक्स इक्वल टू कॉस टू पाई बाय थ्री। तो अभी कॉस का क्या सोल्यूशन है आपको पता रहेगा, राइट। तो देयरफॉर यहाँ पर लिखता हूँ ऊपर देखो, तो अभी ये फॉर्मूला है सोल्यूशन का, कॉस एक्स इक्वल टू कॉस अल्फा रहेगा तो इसका जनरल सॉल्यूशन ऐसा आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे x के बदले में क्या है, x के बदले में 2x है, राइट। तो यहाँ पे 2x है तो 2x इज इक्वल टू टू एन पाई प्लस और माइनस अल्फा, अल्फा का वैल्यू 2 पाई अपॉन 3। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम थोड़ा टाइम लगेगा बट जल्दी जल्दी करना है आपको। ठीक है, तो अब इसके बाद सॉल्यूशन निकालते हैं यहाँ पे ऊपर देखो। अभी तो हम क्या करेंगे, अभी तो साइन थ्री एक्स इक्वल टू एन पाई बाय थ्री दिया है, राइट। साइन थ्री एक्स का सोल्यूशन आया एन पाई बाय थ्री, तो यहाँ से हम पाई बाय थ्री को हम डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं और यहाँ पर चेक करेंगे कि 90 to 270 के अंदर फिट हो रहा है क्या नहीं। अगर मैं एक्स इक्वल टू जीरो लूँगा तो ये फिट नहीं होगा, राइट। यहाँ पर एन इक्वल टू जीरो लूँगा तो एन इक्वल टू जीरो लूँगा तो फिट नहीं होगा। अभी एन का वैल्यू वन लूँगा तो क्या बनेगा, ये बनेगा 60 degree, ये भी फिट नहीं हो रहा है, मतलब एन का वैल्यू ये भी नहीं ले सकता। एन इज इक्वल टू टू लूँगा तो ये बनेगा एन 60 degree, ये बनेगा एन का वैल्यू टू लूँगा तो बनेगा टू इंटू 60, वो बनेगा 120 degree, ये फिट होगा, मतलब ये 120 degree फिट होगा। ओके, उसके बाद एन इज इक्वल टू थ्री लेते हैं, एन इज इक्वल टू थ्री लेंगे तो एन इंटू 60 अपॉन थ्री, राइट, सॉरी 3 एंड तो ये बनेगा
180 डिग्री, तो ये भी फिट होगा राइट, तो ये भी आएगा 180 डिग्री भी आएगा। अब इसके बाद एन इक्वल टू 4 लेते हैं, 4 लूँगा तो 4 × 60 ये आएगा 240, तो ये भी फिट होगा ठीक है, ये आएगा 240 ओके, ये तीनों फिट हो रहा है ठीक है। यहाँ पर 3x है मतलब तीन सॉल्यूशन आएगा, यहाँ पर 3x है तो यहाँ पर तीन सॉल्यूशन आएगा, तो इसके लिए यहाँ पर स्टॉप करना है, इसके आगे करने की ज़रूरत नहीं है, एन इज इक्वल टू 5 नहीं करना है ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने बोला है कि 3x है मतलब तीन सॉल्यूशन आ गया इसका। अब यहाँ पर 2x है, 2x है मतलब दो सॉल्यूशन निकालना है ठीक है, तो पहले इसको क्लियर करते हैं फिर सॉल्व करते हैं। तो अभी कॉस के लिए जल्दी से जाते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स इक्वल टू, ये 2 को इधर लेंगे तो कट हो जाएगा, ये भी कट हो जाएगा, ये कट हो जाएगा, तो बचेगा एन पाई प्लस वा माइनस पाई बाय 3। तो हम इसको डिग्री में कन्वर्ट करते हैं, तो एन इंटू 180 डिग्री प्लस वा माइनस 60 डिग्री। अब एन का वैल्यू 0 लेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, 60 डिग्री आएगा, यहाँ पे फिट ना होगा ठीक है, 60 डिग्री फिट ना होगा। अभी एन इज इक्वल टू 1 लूँगा तो यहाँ पे बनेगा 180 डिग्री, 180 डिग्री प्लस 60 तो कितना आएगा, तो 180 डिग्री प्लस 60 ये आएगा 240 राइट, ये 240 आ रहा है राइट, ये फिट हो जाएगा। उसके बाद ये इसके अंदर फिट होगा, अगर मैंने माइनस लिया तो ये आएगा 120 ओके, तो ये भी फिट हो रहा है ओके, तो इसको लिखते हैं हम यहाँ पे 120 ओके। तो हमारा वैल्यू आप देख सकते हो, अब इसका दो वैल्यू आ गया है राइट, ये भी फिट हो रहा है, ये दोनों फिट हो रहा है इसके लिए, एंड इसके लिए 3 फिट हो रहा है राइट। तो इसमें से कॉमन क्या क्या है देखते हैं, कॉमन सॉल्यूशन लेते हैं, कॉमन सॉल्यूशन ये ऑलरेडी इधर है, ये भी इधर है, तो ये 3 आएगा, कॉमन सॉल्यूशन कितना है, ये 3 ओके, तो आंसर 3। तो मुझे लगता है काफ़ी डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम था, आपको जल्दी जल्दी करना चाहिए ओके। अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम पे जाते हैं ओके स्टूडेंट, अभी करेंगे 35th प्रॉब्लम। तो यहाँ पे इन्होंने ये एक प्रश्न दिया है, टैन इनवर्स 2x प्लस टैन इनवर्स 3x जो पाई बाय 4 है, एक्स का वैल्यू फाइंड करना है, तो ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा टैन इनवर्स जे प्लस टैन इनवर्स बी का। तो यहाँ पे ये लगेगा, तो ये का वैल्यू ये आएगा और बी का वैल्यू ये, तो ठीक है, तो इसको लेफ्ट साइड में इसको बदलते हैं, तो ये क्या बनेगा, टैन इनवर्स 2x प्लस 3x 1 माइनस 2x एंड 3x दैट इज इक्वल टू पाई बाय 4। नेक्स्ट स्टेप में इसको ये साइड लेना है ओके, तो ये बनेगा 2x प्लस 3x आएगा 5x अपॉन 1 माइनस 2 × 3 = 6, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो ये बनेगा 6x² इज इक्वल टू टैन पाई बाय 4। इसको ये साइड लेना है, और टैन पाई बाय 4 मतलब टैन पाई बाय 4 इज इक्वल टू टैन 45 डिग्री, ये 1 आएगा ठीक है, तो इसको हटा देंगे तो ये 1 बन जाएगा ठीक है, तो ये बन गया 1। तो अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5x इज इक्वल टू 1 माइनस 6x², तो अब इसको राइट साइड लेते हैं, ये बनेगा 6x² माइनस प्लस 5x, इसको एक साइड लेते हैं, माइनस 1 इज इक्वल टू 0 ठीक है। अब इसको ब्रेक करते हैं, तो आएगा 6 × −1 माइनस 6 को ब्रेक करना है, तो आएगा 6 × −1, तो ये बनेगा 6² प्लस 6x माइनस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 ओके। तो यहाँ पे 6x कॉमन है, तो ये बनेगा x प्लस 1, यहाँ पे माइनस 1 बाहर लेते हैं, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 ठीक है। तो अब इसके बाद ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं, वापस कॉमन लेते हैं यहाँ से, तो बनेगा x प्लस 1 एंड 6x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या आ रहा है, x मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तो x का माइनस 1 आएगा और यहाँ पे नेगेटिव है, तो x इज इक्वल टू 1/6 ओके। तो यहाँ पे ये भी राइट आ रहा है, तो यहाँ पे ये भी आ रहा है, ये यहाँ पे ये भी आ रहा है, दोनों ऑप्शन राइट आ रहा है राइट, बट दोनों राइट नहीं हो सकता है, कोई एक ही राइट होगा ठीक है। तो अगर हम माइनस 1 को यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, इसको यहाँ पे पुट करेंगे तो नेगेटिव आएगा, क्योंकि टैन इनवर्स नेगेटिव एक्स रहेगा, तो यहाँ पे नेगेटिव बाहर जाएगा, तो माइनस टैन इनवर्स एक्स आएगा, मतलब ये नेगेटिव आएगा राइट। तो बट राइट साइड में पाई बाय 4 दिया है, पॉजिटिव दिया है, तो मतलब ये आंसर नहीं आएगा, इसको टिक करना है ठीक है, ये आंसर आएगा ओके। अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम पे जाते हैं ओके।